हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम रक्स। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट डिक्लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो देख सकते हो यार, मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आएगी है। मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, मैं स्पेशल ए ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे ही टैप ऑन पे क्लिक करूँगा और आपके सामने ये प्रॉब्लम खुल के आएगी। तो मे बी आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा। और देख सकते हो यार, पेमेंट अनसक्सेसफुल, बिलिंग अकाउंट वाज डिक्लाइंड। तो ऐसा क्यों होता है यार ये, और इसे फिक्स कैसे करना है यार, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि यार मैं फुल डिटेल बता रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको एयरटेल बिलिंग का ऑप्शन नहीं आता है तो उसके लिए भी वीडियो देख लेना कि आपको कैसे लानी है। तो यार, वीडियो को अच्छे से देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। और वीडियो पसंद है यार तो वीडियो को जो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार, वीडियो को बताते हैं कैसे आपको करनी है फिक्स। तो यार, अब मैं बताता हूँ पहले कि अगर आपके पास एयरटेल बिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो यार, सिंपली आपको प्ले स्टोर खोल लेनी होगी और उसके बाद जाना होगा यार, थ्री लाइंस आपको देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर में, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आनी होगी यार, पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देनी होगी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सामने कई ऑप्शंस खुल के आएंगे। सबसे नीचे आपको देख सकते हो यार, मोर पेमेंट सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। तो ये यार आपको डिफॉल्ट ब्राउजर में लेके चला जाएगा। वहाँ पे मे बी आपको अपनी जीमेल अकाउंट लॉगिन करना पड़े। मैं पहले से लॉगिन कर रखा हूँ, उसी जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है जिससे आपने प्ले स्टोर में साइन इन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी आपको जितने भी पेमेंट मैथड है सभी यहाँ पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी आपके सिम वाले हैं सभी को आपको रिमूव कर देनी है। तो यार, सभी को रिमूव कर दो। और इसके बाद यार देख सकते हो, सभी को आपको रिमूव करना है, किसी को भी यहाँ पे नहीं रहने देना, सभी को रिमूव कर देनी है। और देख सकते हो, मैंने सभी को रिमूव कर दिया है। इतना ही आपको करना है, इसके बाद आपको सिंपली फ्री फायर खोल लेनी है। तो यार, जैसे आप फ्री फायर खोलोगे उसके बाद आपको सिंपली पेमेंट मेथड दिखने लगेगा। तो यार, अगर उसके बाद भी नहीं आती है तो आपको क्या करना है यार, सिंपली कोई दूसरे फ़ोन में ट्राई करो। कोई कोई फ़ोन भी बिलिंग को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए आपको ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। तो यार, अब बात करते हैं कि पेमेंट डिक्लाइन का ऑप्शन क्यों आता है और ऐसा क्यों होता है। तो यार, ये प्रॉब्लम एयरटेल यूजर वाले के ही साथ होता है, दूसरे टेलीकॉम कंपनी के साथ नहीं होता है। उन कोई आइडिया या वोडाफोन अगर आप यूज करते हो तो आप में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो यार, जब भी पेमेंट डिक्लाइन होती है आपके सामने कुछ ऐसे मैसेज पॉप होते हैं। ये खासतौर एयरटेल के साथ ही होता है, एयरटेल कंपनी के सिम में होता है। तो यार, आपके सामने कुछ ऐसे मैसेज पॉप होंगे, किसी किसी फोन में पॉप नहीं होता है। तो यार, आप डायलर में जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, टॉक टाइम है मेरे पास 4.31 और मेरे पास एक और बैलेंस है 26.66। तो यार, ये बैकअप बैलेंस है, इससे हम लोग कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो यार, अगर आप एयरटेल यूजर है तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आती होगी। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम को आपको फिक्स कैसे करना है। तो ये खासतौर पे उन लोगों के साथ होती है जो 35 का रिचार्ज करवाते हैं। तो यार, अगर आप 35 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मेन बैलेंस नहीं मिलती यार, मेन बैलेंस ही डायमंड टॉपअप होता है, ये चीज़ याद रखना। कई लोग पूछते हैं कि अनलिमिटेड वाला बैलेंस ही डायमंड टॉपअप होगा या नहीं होगा। तो यार, अनलिमिटेड वाला बैलेंस ही डायमंड टॉपअप बिल्कुल नहीं होगा, आपको मेन बैलेंस चाहिए होगा इसके लिए। तो यार, आप बताते हैं कि आपको कैसे और कौन सी प्लान चूज करनी है। तो यार, आपको सिंपली करने क्या है कि अगर आप YouTube पे सर्च करते हो एयरटेल रिचार्ज, तो सबसे ऊपर में आपको airtel.in प्रीपेड रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आइएगा, आपको सिंपली इंटर फोन नंबर पे डालना होगा, आपको कोई भी सा भी फ़ोन नंबर डाल देना होगा। तो यार, मैं कोई भी फ़ोन नंबर डाल के देखता हूँ यार, जो वैलिड हो। तो इनवैलिड जो हो रही है, ले लिया यार। तो यहाँ पे आप जैसे यार अपना फ़ोन नंबर, सबसे ऊपर में आपको फ़ोन नंबर इंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको अमाउंट इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ टाइप करनी है, 10 रुपीज़। तो यार, जैसे ही आप 10 रुपीज़ टाइप करोगे, यहाँ पे आपको देखना है टॉक टाइम किस में मिल रहा है। तो यार, जिसमें टॉक टाइम मिल रहा है उसी प्लान को आपको रिचार्ज करनी है, दूसरी प्लान को नहीं लेना है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ, काफ़ी सारा प्लान्स आपके सामने दिख रहा है। तो आपको टॉक टाइम वाला प्लान लेना है, दूसरे वाले
जो प्लान होती है नहीं लेना। तो 20 का रिचार्ज पहले होता था, अभी कोई भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यार सिंपली 10 रुपये वाला अगर आपको स्पेशल एयरड्रॉप बाय करनी है तो 2 बार 10 वाला रिचार्ज कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि आपको 7 रुपये 47 पैसे मिलेंगे और इसके बदले आपको यार 12 रुपये के करीब कटता है। 10 रुपये स्पेशल एयरड्रॉप अगर आप टॉपअप परचेज करते हो तो उसमें आप 12 रुपये के करीब कट जाते हैं। तो यार ऐसे ही आपको करनी है और ये आप अपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली यार 10 रुपये का अगर मैं कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट का बटन दिखेगा। नेक्स्ट जैसे ही दबाओगे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो लोडिंग होगी पहले एयरटेल की साइट और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने को। तो नीचे में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक और डेबिट कार्ड SBI पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हो। देख सकते हो पेटीएम से भी यहाँ पे रिचार्ज करने का ऑप्शन मिल रहा है और कई सारे ऑप्शंस आपको अमेजोन पे कई सारे किसी से भी आप यूज करके रिचार्ज कर सकते हो। तो यार आपको सिंपली कई सारे आपको कुछ ही प्लान्स यार एयरटेल के जो होती है वो टॉक टाइम वाले कुछ ही प्लान्स है। तो यार इतना ही का आप रिचार्ज करवा सकते हो। या तो आप 10 रुपये वाला करवाओ या 100 रुपये करवाओ या फिर 1000 रुपये की रिचार्ज करवा सकते हो। तो यार अगर आप ये प्लान से लेते हो रिचार्ज करवाते हो तभी आपकी डायमंड टॉपअप होगी, नहीं तो यार नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल के अलावा कोई किसी और कंपनी की सिम है तो यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 20 का रिचार्ज करवा सकते हो, उसमें आसानी से आप डायमंड टॉपअप परचेज कर सकते हो। तो यार समझ लो कि 10% एक्स्ट्रा कटती है इसके लिए डायमंड अगर आप टॉपअप करते हैं तो, जितने का भी आप डायमंड टॉपअप या परचेज करना चाहते हैं तो उससे आपको 10% एक्स्ट्रा मेन बैलेंस रिचार्ज करवानी होगी। यार आपको अनलिमिटेड वाले बैलेंस से नहीं टॉपअप होती है डायमंड, तो ये चीज़ याद रखना। कई लोग पूछते हैं यार कि मैंने 399 या फिर कितने वाले पैक रिचार्ज करवा रखा है, क्या उससे डायमंड टॉपअप होगी या नहीं? तो यार बिल्कुल नहीं होगी, उससे नहीं होती है, मेन बैलेंस आपको डायमंड टॉपअप करने के लिए चाहिए होता है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो यार 35 का रिचार्ज बिल्कुल भी मत करवाना, किसी और कंपनी के भी सिम मत करवाना, आप 20 या फिर 10 का रिचार्ज करवाओ, 2 बार 10 का रिचार्ज करवाओ, सबसे परफेक्ट रहेगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो लाइक करो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री फायर के ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।